क्वेश्चन नंबर 154। सॉल्व 4z प्लस 3 इक्वल टू 6 प्लस 2z। तो इस इक्वेशन से हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जनरली हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वेरिएबल वाला टर्म को सेपरेट करते हैं, तो ये हमारा वेरिएबल वाला टर्म है ये दोनों। तो इस 2z को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये होगा -2z, और कांस्टेंट वाला टर्म जो है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये होगा -3। सो 2z इक्वल टू 3, देयरफॉर z इक्वल टू 3/2, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। और अब हम इसके सॉल्यूशन को वेरीफाई करेंगे, चेकिंग। LHS इक्वल टू 4z प्लस 3। नाउ पुटिंग z इक्वल टू 3/2, तो 2 का टेबल से कैंसिल होगा, 2 3 2 6 प्लस 3 9। और फिर हम RHS में भी z की वैल्यू को पुट कर देंगे, यह है 6 प्लस 2z। पुटिंग z इक्वल टू 3/2, सो 6 प्लस 2 × 3/2 इक्वल टू 9। सो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। Thank you.